नमस्कार, डू इट योरसेल्फ इंस्पिरेशन में आपका एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। और आज मैं आपको एक आइसक्रीम की नई तरकीब सिखाऊंगी। ये है तरबूज और कीवी का आइसक्रीम जो मैंने इस पुशा पात्र में बनाया है। ये बहुत ही दिलचस्प है। नीचे पकड़ने के लिए ये दिया है आपको और बीच में ये प्लेट है और इसे आप ऐसे ऊपर पुश अप कर सकते हैं यानी ढकेल सकते हैं और फिर ऊपर से नीचे तक खा सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए ये पुश अप पात्र जो मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है। इसके चार भाग हैं। ये जो नीचे का है वो पकड़ने के लिए, बीच का सिलेंडर, ऊपर का जो है ढक्कन में निकाल रही हूँ क्योंकि मैं आइसक्रीम को खुले रख कर ठंडा करूँगी। और ये नीचे का जो है वो मैंने निकाल दिया है, निकाल सकते हैं आप इसको। बीच में आप देख रहे हैं प्लेट है और इस प्लेट में ये नीचे का पकड़ने का जो है वो आप लगा सकते हैं और इसे ऐसे ऊपर और नीचे खींच सकते हैं। तो ये है हमारा पुशअप पात। और अब मैं आपको आइसक्रीम बनाना सिखाती हूँ। तो आइसक्रीम के लिए ये दो आइसक्रीम, चार आइसक्रीम के लिए हमें चाहिए एक कीवी और ये बड़े तरबूज के दो टुकड़े। कीवी मैंने ऊपर का कीवी का निकाल दिया है और कीवी को मैं इस आकार में अब चार टुकड़ों में काट दूंगी। कीवी अच्छे से छाल दिया था मैंने पहले ही, तो अब मैं इसको इस आकार में काट रही हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मैंने कीवी को इस आकार से काटा हुआ है और मैं इस प्लेट में, अब चारों प्लेट में कीवी को रख दिया है मैंने। देखिए, आप नीचे तक रख दिया है पूरा, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैंने कैसे रखा हुआ है। और ये जो हमारा तरबूज है, अब इसमें मैंने टुकड़े करके डाले हैं और अब मैं इसकी प्यूरी बनाऊँगी। अच्छी तरीके से इसकी प्यूरी बनाने के बाद मैंने ये चारों इसमें ये मैं डाल रही हूँ और फिर ये डालने के बाद ये आएगा 5 से 8 घंटे तक फ्रिज में। आप रात को इसे फ्रिज में रख सकते हैं, वही बेहतर होगा। अब देखिए, ये फ्रिज से बाहर आ चुका है मेरी आइसक्रीम। और ये जो है नीचे पकड़ने के लिए ये मैं इस प्लेट में, इस पात्र में घुसा देती हूँ। और ये देखिए, ये मेरी आइसक्रीम कितनी ताज़ा लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है खाने के लिए। तो जैसे आप देख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी तरकीब है इस पुशअप पात्र में भी ये आइसक्रीम करना। मुझे तो ये तरकीब बहुत अच्छी लगी। लाइक कीजिए अगर आपको ये तरकीब अच्छी लगी हो तो, और कमेंट्स में लिखिए आपको ये कैसी लगी। और भी कोई अगर आपके पास तरकीबें हैं तो मुझे ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए। धन्यवाद और अलविदा।